उनका आशीर्वाद भी और उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त हो रहा है, साथ साथ इसी बहाने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद उनका अभिनंदन भी कर रही है। मैं इस अवसर पर उनका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वास्तव में श्री कैलाश सत्यार्थी जी का जीवन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाले उन तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा है और खासतौर पर युवाओं के लिए, जो किम कर्तव्य विमूढ़ किसी स्थिति में रहता है, बहुत बार असमंजस की जिस स्थिति में रहता है, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी ने अपने संबोधन में इस बात का उल्लेख भी किया कि जीवन में जब व्यक्ति आधी अधूरी तैयारी के साथ चलता है, बिना किसी एक्शन के वह आगे बढ़ता है, बिना किसी विजन के वह किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है, एक कंफ्यूजन की स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन युवाओं के लिए, खासतौर पर जिन लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन है, किसी प्रकार का कोई संदेह है, उनके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जीवन का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करके नौकरी प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि एक विराट क्षेत्र है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ व्यक्ति जब प्रयास करेगा तो सफलता तो अवश्य प्राप्त होगी। और यह श्री कैलाश सत्यार्थी जी ने अपने जीवन के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन करके यह साबित किया और उनकी सेवाओं के लिए नोबल शांति पुरस्कार और दुनिया के अन्य अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं। समाज सेवा भी एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है और अनेक लोग अलग अलग क्षेत्र में अपने आप को लगाए हुए हैं। कोई समाज सेवा में समाज निर्माण की प्रवर्तमान कार्य के साथ जुड़ा हुआ है, कोई धार्मिक और सामाजिक चेतना के माध्यम से सदाचार और नैतिक मूल्यों के प्रति समाज को आग्रही बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया हुआ है, कोई महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है, कोई बच्चों के लिए और बालकों को एक सही दिशा देने के लिए उनके सोने शोषण मुक्त व्यवस्था और शोषण मुक्त समाज की स्थापना के लिए अपना पूरा जीवन लगाया हुआ है, कोई अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं जीवन के किसी एक क्षेत्र को चुन करके व्यक्ति अपनी रुचि और अपने रूप भी कोई एक क्षेत्र चुन करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप पिछले 92 वर्षों से उन मूल्यों की स्थापना के लिए, उन आदर्शों के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है, जिनके लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों ने अपना जीवन समर्पित किया था।
याद करिए ये कालखंड और कौन सा रहा होगा जब देश स्वतंत्र रहा होगा। गुलामी की बेड़ियां इसे जकड़ी हुई थी। बहुत सारे लोगों के मन में तब भी कंफ्यूजन रहा होगा कि हम तो एक गुलाम देश के नागरिक हैं, कैसे काम चलेगा। लेकिन तब भी महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करके युवाओं के सामने एक लक्ष्य रखा कि गुलामी से की बेड़ियों से मुक्ति का माध्यम कोई और नहीं बन सकता, बल्कि उसके लिए एक आदर्श हमारे सामने होगा महाराणा प्रताप का। स्वदेश और स्वाभिमान कैसे होना चाहिए, वह महाराणा प्रताप के त्याग और बलिदान से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। राष्ट्रवादी शिक्षा को माध्यम बनाकर के हम राष्ट्र धर्म के प्रति अपने आप को समर्पित भाव के साथ आगे बढ़ाएंगे और फिर जो कार्य प्रारंभ हुआ वह निरंतर आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के न केवल पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में बल्कि विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण और सेवा के प्रकल्पों के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लिए शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। आज यहां पर अपनी 92वीं संस्थापक सप्ताह के इस कार्यक्रम के अवसर पर जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं जिनमें 800 से अधिक ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कोई स्थान प्राप्त किया, प्रतिभागी तो बहुत लोग थे लेकिन वे विद्यार्थी जिन्होंने अपने परिश्रम से अपनी मेहनत से अपना स्थान बनाया, आज यहां पर मुख्य अतिथि के द्वारा कुछ ही देर में उनका सबका सम्मान होने वाला है। तो मैं इस अवसर पर उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने कार्यक्रमों में सहभागिता की, प्रतिभागी बने, उन सबको भी बधाई देता हूं और जिन्होंने उन प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर के कोई स्थान प्राप्त किया है उन्हें विशेष रूप से बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी प्रतियोगिता में अपना स्थान बना करके अपने आप को साबित किया है। इसमें आप देखेंगे अलग अलग पक्ष से जुड़ी प्रतियोगिताएं हैं। सामान्य रूप से विद्यालयों के स्तर पर योग्यता छात्रवृत्ति मिलती है, योग्यता छात्रवृत्ति काफी लंबा समय होता था तो उसे शॉर्ट करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई, योग्यता छात्रवृत्ति हर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान 11 दिसंबर को अपने अपने विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों के सामने योग्य छात्रों को उपलब्ध करेगी, उनके नाम की घोषणाएं हो जाएगी, वे संबंधित संस्थान अपने यहां वितरित करेंगे। लेकिन इन एक सप्ताह के अंदर हुए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भाषण प्रतियोगिताएं हुई होंगी, खेलकूद की अनेक प्रतियोगिताएं हुई होंगी, यहां पे श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, गोरखवाणी से संबंधित प्रतियोगिता